नगर पंचायत पागबड़ा के युवा समाज सेवी एवं नगर पंचायत पागबड़ा से चेयरमैन पद प्रत्याशी शेवी शर्मा एडवोकेट लगातार जनसेवा कर रहे हैं। बीती रात्रि बिजली विभाग के लाइनमैन द्वारा वाल्मीकि बस्ती की बिजली गुल कर देने का समाचार जैसे ही शेवी शर्मा एडवोकेट को मिला तो वह तुरंत अपने साथियों के साथ वाल्मीकि बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने समस्याओं को सुना और विद्युत विभाग के पागबड़ा बिजलीघर अवर अभियंता प्रमोद कुमार शर्मा से बात की और कहा कि गरीब और मलिन बस्ती है, इनके साथ इस तरह का अन्याय ठीक नहीं। जिस पर विद्युत विभाग के पागबड़ा अवर अभियंता द्वारा सभी क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाया गया कि उनके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा और उनकी बिजली को जोड़ दिया जाएगा। शेवी शर्मा एडवोकेट द्वारा विद्युत विभाग से किए गए निवेदन पर विद्युत विभाग द्वारा वाल्मीकि बस्ती के कनेक्शन को जोड़ दिया गया और समय से बिल जमा करने का आश्वासन मिल जाने के बाद विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। वाल्मीकि बस्ती के युवाओं द्वारा शेवी शर्मा का आभार व्यक्त किया गया और कहा गया कि उनकी समस्या को सुना और उनके समाधान पर बात की अच्छा लगा, क्योंकि समाज के सबसे दबे कुचले वर्ग को सम्मान दिलाना सबके बस की बात नहीं। हमारे शेवी भैया दबे कुचले समाज को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारे इलाके में शेवी शर्मा जैसे समाज सेवी गरीबों की सुन रहे हैं और सहायता भी कर रहे हैं। सिटी चैनल संवाददाता ने जब युवा समाज सेवी एवं चेयरमैन पद प्रत्याशी शेवी शर्मा एडवोकेट से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि आज वे वाल्मीकि बस्ती पहुंचे, जहां पर काफी समस्याएं थी। समस्याओं के समाधान के लिए उनके द्वारा प्रयास किया गया और क्षेत्र की बिजली की समस्या का समाधान लगभग करा दिया गया है। कल रात लाइट की चेकिंग चल रही थी तो किसी ने गलत सूचना दे दी कि वाल्मीकि बस्ती में अवैध तरीके से लाइट चल रही है, तो वहाँ पर लाइट काट दी गई थी। सुबह मेरे पास काफ़ी लोग वाल्मीकि बस्ती से माता बहने और काफ़ी लोग सम्मानित लोग भी आ गए थे, क्योंकि उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। पानी ख़त्म हो गया था और छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो मेरी फिर मैंने जेई साहब को फ़ोन करा और जेई साहब ने आश्वासन दे दिया था कि आज संडे है, थोड़ा बाद के लेबर भी कम है, तो जेई साहब ने आश्वासन दे दिया कि 12 बजे तक लाइट डलवा देंगे। क्या कहना चाहते हैं पागबड़े के आवाम से? मेरा सबसे ज़्यादा कहना यही है कि एक तो अपने घर के बाहर सफाई रखें, मोहल्ले में सफाई रखें, और जो इतने भी हैंडपम्प हैं इनका देखभाल रखें, और जो ये स्ट्रीट लाइट हैं जो नगर पंचायत पागबड़ा में लगी हुई हैं, सुबह होते ही इन्हें बंद कर दिया है। मैंने काफ़ी देखा है कि 10-10 सुबह 9-9 बजे तक लाइटें जलती हैं। ये सरकार का नुकसान है, देश का नुकसान है।